हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरताला में जो त्रिपुरा में आता है यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट निकली है ये नॉन टीचिंग जो रिक्रूटमेंट्स है ये ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए है कुछ पोस्ट डेपुटेशन बेसिस पे है कुछ फ्रेशर्स है तो कुछ एक्सपीरियंस है बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है जैसे कि इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट है एस असिस्टेंट है टेक्निकल ऑफिसर है कुछ नॉन टेक्निकल भी पोस्ट है तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ये वीडियो में बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है और कैसे आपको अप्लाई करना है ओके okay, तो एन अगरतला की साइट पे करियर डेवलपमेंट में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका जो रिक्रूटमेंट का लिंक है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी ग्रुप ए पोस्ट की और उससे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा फिर यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया एस एस असिस्टेंट डिप्यूटी लाइब्रेरियन उसके बाद में सिविल इंजीनियर बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल ऑफिसर्स पर्सनल असिस्टेंट तो ये सारे पोस्ट जो है आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर्स तो ये बहुत सारी पोस्ट है उसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो सारा आप, आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा लेकिन आपको अप्लाई करना है तो ये है उनका लिंक वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है तो अभी हम पहले चल

ऑफिसर की जो है दो वैकेंसी और उसके बाद साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर्स जो ग्रुप में ए में आता है इसकी तीन वैकेंसी है ओके आपको अप्लाई कैसे करना है नीड टू अप्लाई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 नवंबर सॉरी 30 सितंबर है तो अभी भी 9-10 दिन है आपके पास आप जाके अप्लाई करो उसके बाद में इसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम बात करेंगे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि रिक्रूटमेंट रूल 2019 के हिसाब से डेप्यूटी रजिस्ट्रार इन एन शुड बी दी ग्रुप ए पोस्ट है और इसका आपको पे बैंड यहाँ पे मिल जाएगा कितना आपको ग्रेड पे है उसके बाद में वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल पचास साल आपका यहाँ पे एज लिमिट है उसके बाद में एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एटलीस्ट फिफ्टी फाइव साल का एक्सपीरियंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेस

75% direct recruiting failing, which by deputation, 25% on promotion failing. Okay, so promotion assistant registrar will uh, with a regular service at. टेन ईयर्स ओके देन एंड देन यू आर एलिजिबल तो यह है उसका एजुकेशन uh, क्वालिफिकेशन उसके बाद डेप्यूटी लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसका जो है यहाँ पे अगेन नॉट एक्टी मास्टर मास्टर डिग्री का जो है आपका लाइब्रेरी uh, साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन विध सीजी पे सिक्स पॉइंट फाइव और एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट क्वालिफाइंग इन नेट सेट्स लेट जो भी एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए एक्सपीरियंस फाइव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन कॉलेज लाइब्रेरियन आपका होगा तो आप एलिजिबल हो उसके बाद में एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल वो है ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी अगर आपका है तो गुड हायर डिग्री पीएचडी और इन एच डिसिप्लिन तो ये भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज बार नो अप्लाई वैसे 50 इयर्स दिया था लेकिन कोई इसमें आपको आ, मतलब ये नहीं डायरेक्ट रिक्रूट के लिए वन ईयर आपका डायरेक्ट रिक्रूट एज एन आई टी स्टेट्यूट इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिफ्टी बाय फिलिंग दी योर प्रमोशन ओके बाय प्रमोशन फिलिंग विच इज बाय डेप्यूटेशन ओके तो याद रखना प्रमोशन के लिए फ्रॉम असिस्टेंट लाइब्रेरियन दस साल का एक्सपीरियंस देन यू आर एलिजिबल उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए आपका क्या बैकग्राउंड चाहिए थर्टी फाइव ईयर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये है आपका मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और एम्प्लॉयमेंट सर्विंग द सुपर या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी विद द जी पी और ग्रेड पे ऑफ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके टू ईयर रेगुलर सर्विस ऑफ द सुपर इंटेंडेंट एच जी एच जी टू प्राइवेट सेक्रेटरी पी बी टू दैट इज ओके उसके बाद में ग्रेड पे आपका फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ओके डिजायरेबल है इसका आप अगर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ के साइड से हो तो अच्छी बात है बाकी सब चीजें तो खैर से में वन ईयर ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूट्स एट द रिक्रूटी स्टेट्स उसके बाद में सेवेंटी फाइव परसेंट आपका अगेन फेलिंग बाय रिक्रूटमेंट एंड अगेन ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई प्रमोशन फेलिंग प्रोमोशन अगेन सुपरिनटेंडेंट एंड प्राइवेट सेक्रेटरी इन पी वी टू ओके तो ये चीज याद रखना उसके बाद में डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और यूनिवर्सिटीज दोजिबल ओके उसके बाद में नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट ये आपको है थर्टी फाइव ईयर्स अगेन इसका जो क्वालिफिकेशन है अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छी बात है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन या फिर कैंडिडेट विदर डिग्री पी एच डी वगैरह तो आप एलिजिबल हो अगेन फॉर दी पीरियड ऑफ द प्रोमोशन प्रोमोशन इज वन इ ओके okay. उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट और प्रमोशन तो डायरेक्ट जो है फेलिंग विच प्रमोशन विल बी अगर पांच साल का आपका रेगुलर सर्विस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट पे इस ग्रेड पे के हिसाब से देन यू आर एलिजिबल और या फिर पांच ग्रेड पे पे आपका टू ईयर्स का है रेगुलर uh, सर्विस तो uh, तो भी आप एलिजिबल हो डेप्यूटेशन विल बी अगेन सेंट्रल स्टेट

ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री और इक्विवेलेंट या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली एमडी जनरल मेडिसिन या फिर इक्विवेलेंट जो आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 साल का ग्रेजुएट डिग्री होल्डर एट लिस्ट विद द 5400 ग्रेड पे एज अ मेडिकल ऑफिसर या फिर एमबीबीएस है तो 10 साल का मेडिकल ऑफिसर आपका जो पे बैंड अगेन three uh, and grade pay with the 5400 ओके okay. उसके बाद में आपका वन ईयर अगेन जो होगा प्रोबेशन फिफ्टी परसेंट आगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच थ्रू द डेपुटेशन फिफ्टी परसेंट प्रोमोशन फिलिंग विच थ्रू डेपुटेशन ओके okay, ये चीज याद रखना मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट उसके बाद में प्रमोशन जो है वो है आपका टेन ईयरस एज अ मेडिकल ऑफिसर ग्रेडेड पे फाइव अगर आपका है देन एंड देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर जो है पोस्ट उसके लिए थर्टी फाइव ईयर्स अगेन एमबीबीएस डिग्री पोस्ट डिग्री अगर आपका है तो भी आप एलिजिबल हो एनआईटी जो वन ईयर ओके उसके बाद में इसका हंड्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच थ्रू द डेप्यूटेशन डेप्यूटेशन विल बी मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनी सेमी गवर्नमेंट पीएसो यू आर एलिजिबल उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट जो है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड सपोर्ट्स एस एस ऑफिसर इसका जो है आपका ग्रेड पे 5400 विद आफ्टर हंड्रेड इयर्स ऑफ द सर्विस एस एस ऑफिसर विद जीपी एंड इंक्यूबेंट विल बी एस एस बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन ओके फिर ये आपका पे स्केल है उसके बाद में एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली आपका मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर मास्टर डिग्री इन दी स्पोर्ट्स साइंस और इक्वालेंट आपका होना चाहिए Uh, उसके बाद में uh, uh, उसके बाद में आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये है एक्सपीरियंस इन द गाइडिंग ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एक्टिविटीज क्रिएटिव एक्टिविटीज हायर डिग्री विल बी गुड पीएचडी वगैरह होगा तो उसके वन 75% 25% अगेन यू आर हैविंग दैट फिलिंग विथ बाय द डेप्यूटेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द 25% विल बी प्रमोशन फिलिंग विच बाय डेप्यूटेशन ओके उसके बाद में प्रमोशन आपको कैसे वो है आपका एसएएस असिस्टेंट 5 साल का एक्सपीरियंस ओके ग्रेड पे यहाँ पे दिया है कितना होना चाहिए नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर इसका जो ग्रुप ए का पोस्ट है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बी टेक एम इन रिलेवेंट फील्ड और एम डिग्री विथ फर्स्ट क्लास ओके या फिर आप या फिर

ओके okay, तो ये सारी प्रोमोशन के लिए आपका अगेन टेक्निकल असिस्टेंट विद विदर्स रेगुलर सर्विस जो ऑलरेडी बताया तो यस ये आपका ग्रुप ए का है तो ये सारे लगभग डेप्यूटेशन वगैरह सारे इस हिसाब से ये ग्रुप ए के पोस्ट है अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ वो है आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी जो फ्रेशर्स या फिर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है सुपर पहला ग्रुप बी का पर्सनल असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर की लाइब्रेरी एंड सीनियर टेक्नीशियन तो यहाँ पे लगभग अच्छी खासी वैकेंसी है ओके यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो आपके जो पोस्ट है उसके लिए आप जो भरने वाले हो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और हम चलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया उन्होंने कि कैसे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे अप्लाई करना है अगर आप जो कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी ओपन जो भी कैटेगरी में आप आते हो उस हिसाब से वैकेंसीज कितनी है ओके okay. उसके बाद में कैंडिडेटर एजीव एप्लीकेशन ओके नॉन रिफंडेबल फीस 500 है एस टी एस टीड 250 नॉन रिफंडेबल नो फीस फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इनकंप्लीट एप्लीकेशन अलाइबल टू रिजेक्ट वो तो होता ही है ओके कैंडिडेट्स हु विल गेट सिलेक्टेड फॉर टेस्ट इंटरव्यू विल हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप प्रोवाइड करोगे स्टार्टिंग में सेल्फ अटिस्टेड कॉपीज भी रखना वन सेट की वैसे ही ग्रुप ए के लिए भी रखना है आपको सेम चीज है यस कैंडिडेट्स हू विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हो बस सेपरेटली अप्लाई करना है आपको ओके okay, तो अभी हम चलते हैं इनका जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं फॉर द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट द रिक्रूटमेंट रूल्स डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेवेंट इंक्लूड्स द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ओके उसके बाद में टेक्नीशियन का है जो है इन द रिक्रूटमेंट रूल्स डिप्लोमा और आई सर्टिफिकेट मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बाद में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन बायो इंजीनियरिंग टेक्निश जो सीनियर टेक्नीशियन का है, जो है वो अगेन डिप्लोमा और आई टी इन दी रिलेवेंट फील्ड मैकेनिकल सेम फील्ड जो आपको बताए अभी हम चलते हैं इन डिटेल सुपर की जो पहली पोस्ट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो तीस साल आपका एज Okay, first class bachelor degree or its equivalent from the recognized university ma or master degree in the uh, any discipline from the fifty uh, percent knowledge of the computer educational qualification no but must possess the at least bachelor degree H uh, is whether age and educational qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of the promotes. तो यहाँ पे एज बार आपको नहीं लगेगा एक साल का प्रोबेशन 75% फाइव परसेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% फाइव परसेंट प्रमोशन फेलिंग विच बाय डिप्यूटेशन ओके Uh, अगर प्रमोशन का है तो असिस्टेंट विद इन केस ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द बाय प्रमोशन डेप्यूटेशन तो असिस्टेंट विद टू इयर्स रेगुलर सर्विस विद दोर थाउजेंड टू हंड्रेड ग्रेड पे जीपी ओके डेप्यूटेशन है तो यहाँ पे वो चीज़ भी यहाँ पे दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर का आपका होना चाहिए दो साल का आपका वो ग्रेड के ग्रेड पे के हिसाब से होना चाहिए उसके बाद में पर्सनल असिस्टेंट नेक्स्ट पोस्ट इसका जो है ये है आपका

30 साल आपका एज लिमिट है फर्स्ट क्लास बी बी टेक एमसीए इन द सब्जेक्ट, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विद फिफ्टी परसेंट तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगेन वन ईयर आपका प्रोबेशन

एस एस असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इन एन इसका जो है ये आपका हंड्रेड परसेंट प्रमोशन फेलिंग विच बाय डेप्यूटेशन है असिस्टेंट uh, इंजीनियर uh, बाद में एस आई एस असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एटलीस्ट टू इयर्स रेगुलर सर्विस प्रमोशन के लिए आपका वो जो जीपी होना चाहिए वो है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स हंड्रेड वहां पे डेपुटेशन अगर है ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल सेमी सेमी गवर्नमेंट और वो सारे एलिजिबल है उसके बाद में फॉर जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है फर्स्ट क्लास बीबीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल एस एस असिस्टेंट का जो है फिजिकल एजुकेशन Uh, और आपका स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए स्पोर्ट्स फिल्म पेंटिंग जर्नलिज्म वगैरह में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स फ्रॉम द रिकनाइज यूनिवर्सिटी ओके बैचलर डिग्री डिजायरेबल फॉर सी ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग पीजी डी सी एर इक्वेलेंट ओके तो ये सारी चीजें हैं उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सीनियर एसएस असिस्टेंट सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इसका ग्रुप बी का है 100 अगेन प्रमोशन फेलिंग बीच बाय डिप्यूटेशन प्रमोशन के लिए क्या है एटलीस्ट पाँच साल का एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस एज इन पी बी टू विथ

ओके okay, बाकी चीजें तो कॉमन है यस yes, ये तो हो चुका है ये मेरे ख्याल से रिपीट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी वो चीजें रिपीट हुए तो यस ये है बहुत सारी पोस्ट के लिए फार्मासिस्ट जो बची है कुछ पेजेस इनके रिपीट हुए हैं वो एक बार चेक कर लेना फार्मासिस्ट जो है NIT's में 27 साल एज टेन प्लस टू साइंस पी और या फिर पी ओके okay, तो आप कर सकते हो ओके टेन प्लस टू टू ईयर डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट बैचलर डिग्री इन बी ओके वन ईयर डेप्यूटेशन सॉरी प्रोबेशन रहेगा हंड्रेड परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है प्रोमोशन डेप्यूटेशन uh, पोस्ट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल उसके बाद में लैब अटेंडेंट ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट आपका टेन प्लस टू इन रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर लैब अटेंडेंट का टेन प्लस टू इन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड सत्ताईस साल एज आपका होना चाहिए हंड्रेड परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोई प्रमोशन डेप्यूटेशन यहाँ पे अलव नहीं है जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये भी आपका जो है ये 27 एज 10 प्लस टू थर्टी फाइव डब्ल्यू पी एम पर मिनट आपका स्पीड उसके बाद में सेवेंटी फाइव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई प्रमोशन प्रमोशन कैसे मिलेगा जैसे कि एटलीस्ट टू ईर्स आपका जीपी जो है टू थाउजेंड थ्रू द डीपीसी वर्किंग रिकॉर्ड आपका होना चाहिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है थर्टी थ्री इयर्स टेन प्लस टू अगेन आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बताया प्रोफिशियं विद ऑदर कंप्यूटर स्किल बैचलर डिग्री है order, skill, uh, तो आपको डिजायरेबल है फिफ्टी परसेंट बाय प्रमोशन फिफ्टी परसेंट बाई डायरेक्ट प्रमोशन का यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है ओके okay, तो ये है उसका एलिजिबिलिटी टेक्नीशियन सत्ताईस साल टेन प्लस टू साइंस या फिर टेन प्लस टू इन गवर्नमेंट आई टी कोर्स वन ईयर और हायर ड्यूरेशन उसके बाद में आई सर्टिफिकेशन टू इयर्स आफ्टर टेन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्री इयर्स ड्यूरेशन इन पॉलिटेक्निक और इन इंस्टीट्यूट ओके एज बार कोई लिमिट नहीं है फॉर द प्रोमोट्स तो सेवेंटी फाइव परसेंट विल बी प्रमोशंस अ uh, ओके okay, तो ये है आपका एलिजिबिलिटी बाद में सीनियर टेक्नीशियन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया दो तीन पोस्ट का स्टार्टिंग में इसका जो है 50% बाय प्रोमोशन 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पांच साल का एक्सपीरियंस एज अ टेक्नीशियन इन द जीपीई 2000 ओके 5 5 इयर्स राइट उसके बाद ओके okay, तो ये रहा ये सारे पोस्ट बता दिए कुछ पेजेस रिपीट भी हुए उसमें तो आप चेक कर लेना जैसे कि उनका नोटिफिकेशन था तो यस टेक्नीशियन वगैरह की मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे इन डिटेल स्टार्टिंग में ही बता दिया है तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन का ऑलरेडी दिया हुआ है तो यस ये है पूरा एन आई जो त्रिपुरा में रहता है उसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके okay, तो बहुत सारा है क्योंकि अभी 2019 में उन्होंने ये रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले थे उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे पूरा बताया है okay, ओके तो जो भी आगे की जानकारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं आपको दे दूंगा इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड बाकी अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टेप वन से शुरू करो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अप्लाई करो नंबर ऑफ पोस्ट को अप्लाई करना है तो सिंपली आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा यही एक दिक्कत है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो यस ये है सारी रिक्रूटमेंट एंड अगेन कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएंगे बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेक्निकल टेक्निकल नॉन प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिशियल जो भी मैंने डाल दिए है ऑलरेडी पोस्ट कर दिए आगे भी बहुत सारे आने वाले तो आपको uh, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को हिट द बेल आइकन एंड बाकी अः uh, पीडीएफ दोनों के अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो जाके फॉर्म फिलअप करो और पूरा एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट